जनाब मोहसिन अली सुल्तान साहब बुज़ुर्ग मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और इनके फौरन बाद बहरुल साहिब मुसफर कम जनाब जाकर असगर अली रूहानी साहब। मिलके बाबा जबान सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमें से हर इंसान किसी न किसी रंग में किसी न किसी ढंग में किसी न किसी तौर पर किसी न किसी मोड़ पर हमें से हर इंसान कभी न कभी घर में कभी न कभी सफ़र में कभी न कभी कुंज में कभी न कभी रस्म में कभी न कभी बस में हमें से हर इंसान कभी न कभी तंगी में कभी न कभी आसानी में हमें से हर इंसान कभी न कभी पीरी में कभी न कभी जवानी में हमें से हर इंसान कभी न कभी उठते वक्त कभी न कभी बैठते वक्त हमें से हर इंसान कभी न कभी कहीं न कहीं मकरूज है आले मोहम्मद के एहसानात का जिसकी तख्ती दिल पे लोहे जहन पे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद के एहसानात का कोई नक्श भी बाकी है वो कर्ज़ नहीं फ़र्ज़ समझ के एहसान नहीं ईमान समझ के मिल के बाबा ज़बलान सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। सिर्फ हाजिरी रूहानी साहब मेंबर पर तशरीफ लें या मैंने बस एक कथा पढ़ना है मेंबर उनके हवाले करना है ताकि इस फहरिस्त में मेरा नाम भी चला जाए। खुदा की तौहीद को बचाने के वास्ते चार मिसरे पढ़ के आपसे दुआ लेके मैं मेंबर छोड़ने लगा हूँ। खुदा की तौहीद को बचाने के वास्ते सरे दस तीरों का मुसल्ला बिछा दिया। खुदा की तौहीद को बचाने के वास्ते सरे दस तीरों का मुसल्ला बिछा दिया। करबला ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है करब और बला। जब मिला के पढ़ते हैं तो करबला बनता है। करब का मतलब है दुख, बला का मतलब है मुसीबत। जहाँ दुख हो, तकलीफ़ें हों, मुसीबतें हों, जहाँ परेशानी हो उसे लुगत में करबला कहते हैं लेकिन मेरे हुसैन ने मतलब बदल दिया। खुदा की तौहीद को बचाने के वास्ते सरे दस्त तीरों का मुसल्ला बिछा दिया। कितना बा कमाल है जहरा का लाडला हुसैन ने करबला को मोल्ला मिलके हाथ बुलंद करके